हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। नीट 2024 एग्ज़ाम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है। पेटिशन दायर की गई थी कि नीट 2024 का पेपर लीक है और इसे दोबारा लिया जाना चाहिए, और सभी न्यूज़ चैनल्स पर भी ये न्यूज़ 2-3 दिनों से लगातार वायरल हो रही है, सबूत के साथ वायरल हो रही है। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक हैरान करने वाला फैसला दिया है। फैसला सही है या गलत, उसके बारे में भी जांच करेंगे, और साथ में दोस्तों, क्या नीट रिजल्ट 14 जून को ही आने वाला है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये जो है दोस्तों, आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू स्टे डिक्लेरेशन ऑफ नीट रिजल्ट ओवर एलिज्ड पेपर लीक। इसका मतलब क्या है दोस्तों, पूरा सबसे पहले मैं वही समझा देता हूँ। इन्होंने बोला है कि आपका जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर के जो पेटिशन दायर की गई है उसके ऊपर सुनवाई ज़रूर होगी, लेकिन अभी जो है समर वेकेशन हो जाएगी, तो समर वेकेशन के बाद हम जुलाई में इसकी जो है सुनवाई करेंगे। इसका मतलब ये है दोस्तों कि एग्ज़ाम का जो आपका जो रिजल्ट है वो जून में ही आएगा, और इन्होंने ये भी बोल दिया है कि रिजल्ट के ऊपर हमारा जो है कोई भी रुकावट नहीं है, हमारी तरफ से रिजल्ट टाइम पर ही आना चाहिए। इससे ये साफ हो जाता है दोस्तों कि रीनीट के चांसेस जो है अब बहुत कम हो गए हैं, ना के बराबर हो गए हैं। अब जुलाई में इसके बारे में जो है दोस्तों सुनवाई होगी, और जुलाई तक जब रिजल्ट आ जाता है तो दोस्तों कोई भी मामला हो फीका पड़ जाता है, और ये पेपर लीक वाला मामला फीका पड़ जाएगा, और रीनीट होने के चांसेज जब बहुत कम हैं। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को ये डिसीजन नहीं देना चाहिए था, क्योंकि 24 लाख स्टूडेंट्स का सवाल है, उनके फ्यूचर का सवाल है। ये बात तो हम सब मानते हैं और सभी को पता है कि स्टूडेंट्स का यहाँ पर नुकसान ज़रूर हुआ है। अब पेपर लीक कितने बड़े लेवल पर हुआ है, कितने बड़े लेवल पर नहीं हुआ, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर जुलाई के बाद ये पता चले कि आपका जो पेपर है वो लीक था, और जिन स्टूडेंट्स के अच्छे नंबर बन रहे थे रिजल्ट के बाद, दोस्तों उनको बुरा भी लगेगा अगर तब रीनीट की जो है वहाँ पर बात होती है, और उस टाइम दोस्तों रीनीट करवाने के लिए टाइम भी बहुत चला जाएगा। इसलिए जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, रीनीट अब नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा। बाकी दोस्तों, आपका क्या मानना है इस फैसले को लेकर के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी मैं इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। अभी 2-4 दिन 10-15 दिन रहते थे, इन दिनों सुनवाई की जा सकती थी। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।